जिस वक्त ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की खबर आई, उस वक्त पूरे ईरान में मानो तहलका मच गया था और ईरान के लोग रायसी की सलामती के लिए दुआएं करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सेना समेत तमाम एजेंसियां राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की तलाश में लग गई थीं। लेकिन जिस इलाके में रायसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो इलाका जंगल और पहाड़ियों से भरा था और ऐसे दुर्गम इलाके में ईरानी सेना रायसी के हेलीकॉप्टर को ढूंढ नहीं पा रही थी। लेकिन जो काम ईरानी सेना नहीं कर पाई, वो काम तुर्की के एक ड्रोन ने एक झटके में कर दिया और तुर्की के इस ड्रोन की बाज जैसी नजर की बदौलत ही रायसी के हेलीकॉप्टर को ढूंढा जा सका और उसके बाद ही ईरान ने आधिकारिक रूप से रायसी और ईरानी विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि की। आपको बता दें कि 20 मई 2024 की सुबह तुर्की की एजेंसियों ने एक वीडियो फुटेज जारी किया था जिसमें जंगल के बीच आग लगी हुई दिख रही है और इसी आग को रायसी के हेलीकॉप्टर का संदिग्ध मलबा बताया गया था। बड़ी बात ये थी कि ये वीडियो फुटेज इसी ड्रोन के जरिए रिकॉर्ड किया गया था जिसे तुर्की ने रायसी को ढूंढने के लिए भेजा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के हेलीकॉप्टर को ढूंढ निकालने वाला ये ड्रोन आखिर कितना ताकतवर है और इस ड्रोन की क्या क्या खासियतें हैं। तो आपको बता दें कि बैरेक्टर अकिंसी ड्रोन को तुर्की की डिफेंस कंपनी बैकर ने बनाया है। ये ड्रोन अपने आप में ही बेहद ही ताकतवर है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कई तरह के पेलोड्स को अपने साथ ले जा सकता है और इसके पंखों का डिजाइन भी अपने आप में अनोखा है। ये ड्रोन तुर्की के कई मिलिट्री एप्लीकेशन को एक मजबूत मंच प्रदान करता है और ये तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी की ताकत में प्रगति का एक प्रतीक भी माना जाता है। इस ड्रोन में दो टर्बो प्रॉप इंजन लगे हुए हैं। इसके दोनों पंखों की कुल लंबाई 20 मीटर है और इसी वजह से ये ड्रोन अन्य ऑपरेशन में ताकतवर साबित होता है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक नेविगेशन और रूट ट्रैकिंग फीचर लगा हुआ है। ये ड्रोन 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी ऊंचाई 4.1 मीटर है। ये 1500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और इस ड्रोन की लंबाई 12.2 मीटर तक है। ये 30,000 फीट से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इसमें हाई सेंसिटिव ऑटो टेक ऑफ और सेंसर फ्यूजन भी लगे हुए हैं। इसमें ऑटोमेटिक टैक्सी और पार्किंग फीचर भी है। इसके अलावा इसे अर्ध स्वतंत्र पायलट मोड सपोर्ट सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके साथ ही इसमें गड़बड़ी को सहने और 3 रेडुएंट सेंसर फ्यूजन एप्लीकेशन भी है। इसके अलावा इसमें विशेष प्रकार की रेडुएंट लिथियम वाली बैटरी के यूनिट्स भी लैस हैं। इस ड्रोन में दो तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवियोनिक्स यानी AI लगा हुआ है जो सिग्नल प्रोसेसिंग, सेंसर फ्यूजन और रियल टाइम में हालातों की जानकारी देता है। ये ड्रोन लड़ाकू जेट्स से किए जाने वाले ऑपरेशन को करने में सक्षम है। इस ड्रोन के जरिए हवा से जमीन पर और हवा से हवा में हमला किया जा सकता है। तुर्की का ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम से भी लैस है। इसके अलावा इसमें ड्यूअल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है और एयर टू एयर रडार, रडार को चकमा देना और सिंथेटिक अपर्चर रडार को ले जा सकता है।